बाद पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए राहत की बड़ी खबर आई है। NCDRC यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन ने एक ऐतिहासिक फैसला में ये कहा है कि अगर बिल्डर घर सौंपने के वादे की तारीख से एक साल बाद भी घर नहीं दे पाता है तो खरीदार रिफंड मांग सकता है। आसान भाषा में अगर आप समझें तो घर के पोजीशन में एक साल की देरी होने पर, एक साल से ज़्यादा की देरी होने पर ग्राहक बिल्डर से रिफंड मांग सकते हैं। ये पहली बार है जब रिफंड के लिए समय सीमा तय की गई है। इससे पहले कोई समय सीमा तय नहीं थी। अभी तक ये साफ नहीं था कि कितनी देरी होने पर रिफंड का दावा किया जा सकता है। पोजीशन में और देरी होने पर बिल्डर को 6% प्रति वर्ष की दर से मुआवजा देना होगा। इसी तरह अगर बिल्डर समय से पोजीशन नहीं दे पाता तो 10% ब्याज के साथ राशि वापस करनी होगी। ये एक बड़ी खबर खास करके घर खरीदारों के हित में ये आया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं और आपको डिटेल में समझाने के लिए। दीपक, एक तो अगर हम देखें इस खबर को, जो मोटा मोटी मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि जो लोग घर खरीदते हैं, जो होम बायर हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है जो ये फैसला आया है। लेकिन अब आप हमें ये समझाएं कि इसकी बारीकियाँ क्या है, ये जो फैसला आया है इसके डिटेल्स क्या हैं और क्या ये वन लाइनर ही है कि हाँ एक साल से अगर ज़्यादा की देरी होगी तो रिफंड आप मांग पाएंगे और बिल्डर को देना होगा, या इसमें कोई पेंच भी है? नहीं, इसको पहले समझते हैं कि मसला क्या था। मसला ये था कि एक और इंफ्रास्ट्रक्चर और 3C डेवलपर, ये दो लोग थे जिन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट किया था। वो प्रोजेक्ट 2012 में बनना शुरू हुआ था और 2015 तक उसको हैंडओवर करना था, पोजीशन करना था। प्रोजेक्ट डिले हुआ, देरी हुई, होम बायर कंज्यूमर कमीशन में गए, वहाँ से फैसले में देरी हुई, फिर कुछ लोग रेरा में भी गए। इस बीच ग्रुप ऑफ बायर्स का एक पूरा दल फिर NCDRC में गया और बीच में जो ये फैसला इन्होंने दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला इसलिए है क्योंकि अभी तक डिले का जो समय सीमा थी वो कहीं पर भी तय नहीं थी। पता ही नहीं लगता था कि जो प्रोजेक्ट डिले है वो कितना डिले है और कब तक डिले माना जाएगा। तो इस बार NCDRC ने एकदम साफ कर दिया है कि एक साल के बाद अगर प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलता है तो वो डिले माना जाएगा और आम बायर जो है वो रिफंड लेने का हकदार हो जाएगा, उसे रिफंड मिलेगा। दूसरी चीज, इस फैसले में ये कहा गया है कि जब से, यानी पोजीशन जब से मिलना था तब से अब तक उन्हें 6% के हिसाब से रिफंड दिया जाएगा होम बायर्स को, अगर वो 2019 सितंबर तक पोजीशन नहीं देते हैं तो। इस बीच अगर चाहें तो होम बायर अपना पैसा लेके बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर 2019 के बाद भी पोजीशन डेवलपर नहीं देता है तो फिर उन्हें 10% के हिसाब से रिफंड और पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा, ब्याज सहित, 10% ब्याज सहित। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो आई है वो ये आई है कि पहले क्या होता था कि जो तय सीमा होती थी प्रोजेक्ट की, उसके बाद अगर आप EMI डिले करते हैं तो फिर आप डिफॉल्ट होते थे, लेकिन अब अगर आप तय सीमा के बाद EMI नहीं पे करते हैं डेवलपर को तो आपको डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, डेवलपर से पूछा जाएगा। दूसरी चीज जो अच्छी चीज है कि रेरा में जब लोग गए इस फैसले को, इस समस्या को लेकर, तो रेरा ने ये ऑर्डर किया था कि इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाए, बनाया जाए, क्योंकि रेरा का तरीका ही वैसा है कि वो प्रोजेक्ट पूरा कराना चाहता है, ठीक है। उन्होंने NCDRC को रिक्वेस्ट भी किया कि इस पर रिफंड ना लगाया जाए, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का कोशिश किया जाए। अब हालांकि NCDRC के पास प्रोजेक्ट बनाने का तो कोई तरीका है नहीं, इसलिए उन्होंने रेरा के फैसले को काटते हुए इस पर रिफंड लगाया। ओके, लेकिन एक सवाल मेरा दीपक आपसे और होगा, क्या ये इतना आसान होगा कंज्यूमर के लिए या जो होम बायर हैं उनके लिए कि एक साल की देरी के बाद वो तुरंत जाए और दावा करे कि एक साल में पोजीशन नहीं मिला है और हमें रिफंड दिया जाए? कि ये आसानी से हो जाएगा या इसमें कुछ दिक्कत आएगी? नहीं, देखिए, समझने वाली बात तो ये है कि अगर इस नियम को हम मानते हैं कि एक साल के बाद अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला है और वो डिले है, तो जाहिर सी बात है कि देश के काफी ज्यादा डेवलपर इस घेरे में आ जाएंगे। अगर हम ये ना कहें 90% से ज्यादा के लोग इसके घेरे में आएंगे क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट आपके डिले चल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे में हम फैसला तो बताते हैं कि ये फैसला आया और ऐसा आपको अधिकार मिल गया, लेकिन कितने फैसलों में अभी तक लोगों को पैसा वापस मिला, कितने लोगों को पोजीशन मिला? आप दीपक ये बताइए कि अगर ये रास्ता क्या होगा, जैसे अगर मैं होम बायर हूँ तो अगर मैं ये क्लेम करने जाता हूँ कि रिफंड बिल्डर मुझे करे, तो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ पर जाना पड़ेगा, किसका दरवाजा मुझे नॉक करना पड़ेगा?
नहीं, कायदे से तो आपको रेरा के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आदेश आ चुका है तो अब गेन जो है वो डेवलपर के पाले में है, उसे 2019 तक पूरा, मतलब सितंबर 2019 तक प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। हालांकि डेवलपर के पास भी एक मौका है, क्योंकि एक तरफ उसके पास रेरा का फैसला है, दूसरी तरफ एनसीडीआरसी का फैसला है, तो वो अगर चाहें तो अगर उनकी कोई वाकई कोई वाजिब प्रॉब्लम है तो वो आगे दूसरे दरवाजे खटखटा सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि होम बायर को पैसा कैसे मिलेगा। हाँ। तो होम बायर को 2019 सितंबर तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस डिटेल में ये समझाने के लिए कि ये क्या फैसला है और इसका इम्पैक्ट आगे क्या होने वाला है।